हरे कृष्णा, वेलकम टू गोविंदम किचन। आज गोविंदम किचन में बनाने जा रहे हैं छाछ का मसाला। इसे आप छाछ में, रायते में यूज़ कर सकते हैं। एक बार बना के रख दीजिए और पूरी गर्मियों तक आप यूज़ कीजिए। इसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताया है, इसी रेशियो में आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो आइए देख लीजिए। छाछ का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत है। उसके लिए एक पैन में एक चम्मच जीरा लिया है, एक चम्मच धनिया लिया है, एक चम्मच सौंफ, ये 10 दाने काली मिर्च के लिए है, और एक चौथाई चम्मच अजवाइन लिया है। अब गैस ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। धीमी आंच पर ही हम इन मसालों को 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर भूनेंगे तो इनमें से एक अच्छी खुशबू आने लगेगी। जब खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाइए कि आपके मसाले भुन गए हैं। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा। ये देखिए, अब इन मसालों में हल्का गोल्डन कलर आ गया है। इसका मतलब है मसाले भुन गए हैं, अच्छी खुशबू भी आ रही है। गैस बंद कर देंगे और अब इन मसालों को किसी बर्तन में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने देंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इनको पीस लेंगे। अब ये ठंडे हो गए हैं, ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें इन मसालों को ट्रांसफ़र किया है। अब एक चम्मच काला नमक मिला देंगे और आधी चम्मच पुदीने का पाउडर मिलाया है। पुदीने का पाउडर आप आसानी से घर में बना सकते हैं। पुदीने की पत्तियों को धो लीजिए और उनको छांव में सुखाना है। छांव में सुखा के पीस लीजिए। धूप में नहीं सुखाएंगे, नहीं तो उनका सारा फ्लेवर चला जाएगा। और इन सब मसालों को ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए, इस तरह का पाउडर तैयार किया है। आप इस मसाले को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं। अभी मैंने इसमें नॉर्मल नमक नहीं मिलाया है क्योंकि नमक की प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की। तो जब भी आप छाछ या रायता बनाएं तो नमक आप उसमें स्वादानुसार उसी समय मिला लीजिएगा। अब छाछ बनाते हैं। इसके लिए आधा कप दही लिया है। जितना दही लेंगे उसका डबल हमें पानी लेना है क्योंकि छाछ पतली होती है। तो 1 कप मैंने यहाँ पानी लिया है और अब इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। 1 चम्मच छाछ मसाला मिला देंगे। इस मसाले में काला नमक पहले से ही है तो अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नॉर्मल नमक और मिला लीजिए और आपकी छाछ तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ठंडा करने के लिए थोड़े आइस क्यूब और मिला देंगे। ऊपर से छाछ मसाला और मिंट पाउडर मिला देंगे और ये हमारी बहुत ही बढ़िया छाछ तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा। और अब हम तुलसी दल रखेंगे और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, सुखी सफल और टेंशन फ्री लाइफ के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज ज़रूर लेना चाहिए। nogita.com पर जाके आप फ्री में यह ज्ञान ले सकती हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम एक माला ज़रूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा जपते रहिए और खुश रहिए। हमारे चैनल पर और भी रेसिपीज़ की वीडियो हैं, आप उन्हें भी देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।